भारत में हाल ही में BSF में कुछ चेंजेस किए गए हैं। उन चेंजेस पे आज मैं आपको एक ब्रीफली समझाने वाला हूँ, और जो UPSC का जो प्री होता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, उसमें भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस में फंसेंगे और साथ ही साथ मेंस में आपको लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। BSF का जो क्षेत्राधिकार है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट विस्तार कर रही है, मतलब केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो BSF के क्षेत्र को बढ़ा रहा है और इस पर राज्य नाराज है। ये बहुत सारी सुर्खियाँ बटोर रहा है ये खबर, अभी चर्चा में क्यों है मैं ये बता देता हूँ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आसाम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी हेतु BSF के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। पहले अब मैं आपको मोटा मोटी यही चीज़ बता देता हूँ कि BSF का मतलब निर्माण क्यों किया गया था, BSF होती क्या है, जिन लोगों को नहीं मालूम होगी उन लोग के लिए कि BSF का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि BSF जो होती है वो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1965 के बाद BSF का मतलब गठन किया गया, BSF को बनाया गया और ये BSF गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। और ये BSF ही नहीं, और भी 7 कंपनियां जो हैं वो भी आती हैं गृह मंत्रालय के अंडर में। वो कौन कौन सी हैं, जिसमें असम राइफल है, AR जिसको हम कहते हैं, भारतीय तिब्बत सीमा है जिसको ITBP आप लोग कहते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको CICF कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको NSG कहते हैं, और सशस्त्र सीमा बल जिसको SSB कहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर 2.65 लाख सैनिक तैनात हैं आज के टाइम में, और ये भारतीय सेना के साथ साथ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा LOC और नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात रहते हैं। इसमें एक एयर विंग, मरीन विंग और एक आर्टिलरी रेजिमेंट और कमांडो यूनिट है। BSF अरब सागर में सरक्रिक एक रास्ता होता है सरक्रिक, और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा जैसी भौगोलिक स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में, शांतिपूर्ण चुनाव कराने में, राज्य प्रशासन की मदद करने में BSF की अहम भूमिका होती है। और यह हाल ही में मतलब हर साल अपनी प्रशिक्षित जनशक्ति का एक बड़ा दल भेजकर संयुक्त राष्ट्र शक्ति मिशन को समर्पित सेवाओं में योगदान करती है। इसे भारतीय क्षेत्रों की रक्षा में पहली पंक्ति कहा गया है। अभी मुद्दा ये है कि अभी ये किस लिए हाईलाइटेड हो गया है BSF, क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसने BSF का जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ा दिया है। पंजाब और पश्चिम बंगाल और असम में, ये 3 एरिया, पंजाब में अभी नवनिर्वाचित चन्नी साहब की सरकार है, पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी की सरकार है, और असम में अभी BJP के ही है उनकी सरकार है। 15 किलोमीटर तक पहले था, मतलब BSF जो पेट्रोलिंग करती थी वो 15 किलोमीटर तक के में कर सकती, लेकिन अब केंद्र सरकार के मुताबिक अब वो 50 किलोमीटर तक करेगी। गुजरात की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी मतलब BJP की ही सरकार है, यहाँ पे 80 किलोमीटर तक करती थी लेकिन अब इसको घटाकर 50 किलोमीटर में कर दिया गया। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है अशोक गहलोत जी की, लेकिन राजस्थान में पहले 80 किलोमीटर तक दूर तक BSF करती थी सुरक्षा, लेकिन अब इसको घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड और मेघालय में 80 किलोमीटर था पहले, अब उसको घटाकर 60 किलोमीटर कर दिया गया। अब मैं आपको और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम, ये तीन ही क्यों इंपॉर्टेंट है और ये तीनों क्यों मतलब हाईलाइटेड इतना ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के जस्ट बगल में बांग्लादेश है। बांग्लादेश आजकल बहुत सारी सुर्खियां बटोर रहा है, बहुत सारे अपने क्रिटिकल एक्टिविटी से बहुत सारी सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही साथ जो पंजाब राज्य है इससे बहुत सारे ड्रग्स से खेप भर भर के हमारे देश में आते रहते हैं। पंजाब से बहुत सारे नक्सली भी आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब पंजाब से, इसलिए एक्चुअली केंद्र सरकार ने, मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है, एक्चुअली केंद्र सरकार ने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि 15 किलोमीटर तक पहले था पंजाब में कोई भी आदमी पाकिस्तान से निकलकर किसी सुरंग के माध्यम से 15 किलोमीटर तक पंजाब के एरिया में आ गया, उसके बाद वो फ्री हो गया, उसके बाद वो घूम सकता है आराम से, कोई इसको टेंशन नहीं क्योंकि अब BSF उसको नहीं मिलने वाली, और 15 किलोमीटर उसके लिए डेंजर है, अब उसको 15 किलोमीटर कैसे ही पार करना है। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि अब वो 15 किलोमीटर नहीं, अब वो डायरेक्टली इसको 50 किलोमीटर पार करना होगा, और ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसको पार करना बहुत बहुत कठिन रास्ता ही है। ये सारी चीज़ें हैं, पंजाब और पश्चिम बंगाल और असम, ये तीनों सर्वाइवल एरिया जो है इंडिया के लिए टफ एंड टाइप बनता जा रहा है, क्योंकि जो भी अभी नक्सलवाद हो रहा है, जो भी ड्रग्स की खेपें आ रही हैं, जो भी पकड़ा जा रहा है चरस, गांजा, ये सौ शिप यार्ड्स के वजह से, ये सब चीज़ ये 3 स्टेट से कुछ ज़्यादा ही इस बार देखने के लिए मिल रही है।
इसलिए भारत सरकार ने बढ़ा दिया है।